नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 99 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। दिस वर्कशीट इज फॉर 4th मार्च 2022। टुडे आवर टॉपिक इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 78 एंड 79, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक्स। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है जो कि मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया यानी इसका आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एच तो एक जैसे ही है, एच यानी डी के बार यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है तो एच बराबर में ये 77 हो गया दोनों के लिए। तो आप इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आप 2 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 77, तो इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया होता है इनर, फर्स्ट इनर सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू यहाँ पे 22/7 लिखे, 22/7 इंटू आर के बदले आपको दिया हुआ है इसका हाफ हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू एच क्या है 77, तो आप इससे काटेंगे तो ये 11 जा, अब 11 को 2 इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 को यानी 22 इंटू 44 को 22 से करेंगे तो ये हो जाता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे दूसरा निकालते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे आउटर रेडियस आपको दिया हुआ है, आउटर इसमें आउटर दिया हुआ है इसका डी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डी दिया हुआ है तो ये आर बराबर हो जाएगा इसका हाफ यानी 2.2 हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालेंगे आउटर सी एस ए आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यही है 2 पाई आर एच, तो इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं 2 पाई आर एच, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.2 तो 2.2 और एच के बदले आपको 77 दिया हुआ है तो ये इसको मल्टीप्लाई ये 11 जा हो जाएगा और यहाँ पे 10 रख दीजिए। अब 22 को 22 इंटू 22 इंटू 22 यानी 22 का क्यूब जो होगा आंसर ये हो जाएगा 1064.8, ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है यहाँ पे टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया में इनर प्लस आउटर दोनों जुड़ जाएगा, साथ में इसका एरिया भी जुड़ेगा 2 इंटू ये इसका एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा देखिए, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका दिया हुआ है यहाँ से दिया हुआ इसका 2 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 2.2, तो हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आइए हम इसको टोटल सरफेस एरिया के लिए इसको जोड़, टोटल सरफेस एरिया बराबर में हो जाएगा लिख सकते हैं इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए
और प्लस एरिया टू इंटू एरिया ऑफ बेस, तो ये बेस तो इस तरह का होगा, बेस तो इस तरह का होगा, तो लिखें टू इंटू एरिया ऑफ बेस, टू इंटू एरिया ऑफ बेस। तो आपको ये तो दिया हुआ है, इनर तो हमने निकाल लिया, इनर हमने निकाला था 968, ये हो गया 968, और आउटर ये था, तो ये लिख दीजिए 968, यहाँ पे हो जाएगा 968 प्लस 10 क्या था 1064.8, तो इसको जोड़ दे 1064.8 प्लस में, देखिए ये जो निकालेंगे तो इसका हमने आर है, जानते हैं इसका रेडियस आर है, इसका आर, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो जाता है पाई, बड़े का एरिया में से छोटे का एरिया घटा देते हैं तो ये हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी आर प्लस आर और आर माइनस आर, आर माइनस आर, तो ये यहाँ पे लिख दे, ये एक का हो गया तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इसको यूज करें तो ये हो जाएगा टू इंटू पाई आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, तो यहाँ पे ये तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आज अभी रहने दीजिए 968 प्लस 1064.8 रहे, इसको करते हैं तो 2 और पाई की वैल्यू होता है 22/7 और ये आर प्लस आर, तो यानी आर क्या था 2.2 और प्लस 2.2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2.2 माइनस 2, तो सॉल्व करें इसको जोड़ेंगे इस दोनों को तो हो जाएगा 2.2032.8 और प्लस में 2 इंटू 22/7 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू हो जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ पे इसको 7 ये डेसिमल यहाँ पे रख देते हैं, ये हटा करके यहाँ पे रख दी, तो 7 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42। अब 2 को इस सब को गुणा करें 2 22 और फिर 12 44 को 12 से करेंगे तो ये होता है 5 6 5 2 8, तो इसको जोड़ें ये हो जाएगा 5 2 8 और 10 और 10 100 यानी 2 डिजिट बार डेसिमल डालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे 20 यानी हमारे पास हो जाएगा 2032.8 और प्लस में है 5.28, तो इस दोनों को जोड़ने पे हमारे पास आंसर आता है 2038.08, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है द डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर का डायमीटर दिया हुआ है तो 84 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा इसका हाफ यानी 42 सेंटीमीटर कह रहा है, एंड इट्स लेंथ यानी एल एच के रूप में यहाँ पे यूज करें तो ये 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, यानी 500 चक्कर वो लगाता है एक ग्राउंड को लेवल करने में, तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज कर लें, यहीं से शुरू से ही चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 42 बाय 100
इसको लिख सकते हैं 0.42 मीटर, और ये हो जाएगा 1.20 मीटर। अब देखिए इस तरह से, तो एक चक्कर में लगाने में डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस तय कर लेता है, तो ये इसके जो कर्व सरफेस एरिया है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखें डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा सी एस ए ऑफ रोलर। तो सी एस ए क्या हो जाता है, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये हो जाएगा 2πRh। तो इस तरह से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 0.42 × 1.2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है जो कि ये 500 चक्कर लगाता है तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू 500 × डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन, या 500 चक्कर में लगाता है ना, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस कवर्ड इन, अब 500 से गुना कर रहे हैं, कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, तो हमने कितना निकाला है, 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.168 मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये प्लेग्राउंड का एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज इतना मीटर इन डायमीटर एंड ये हाइट है। तो इसका क्लोज्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सी एस ए हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, आर इजकल टू इसका हाफ हो जाएगा 4.2 का हाफ हो जाएगा, तो यानी 2.1 हो जाएगा। और एच दिया हुआ है आपको 4.5, दोनों मीटर में दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है टोटल मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो सी एस ए यदि हम निकालेंगे तो सी एस ए क्या हो जाएगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं उसी को और कर्व सरफेस एरिया भी उसी को कहते हैं। तो सी एस ए के लिए फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आइए हम सजाएं 2 × 22/7 और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.1 और H की वैल्यू 4.5। तो सबसे पहले डेसिमल हटा करके यहाँ पे 10 डाल दें जो कि अब ये हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसको करेंगे तो 3, अब 1, 5 यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 से इसको काट दिए। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 59.4 और मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ इट 1/4 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। यहाँ पे देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, कुछ यहाँ पे इसी को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। यहाँ पे कह रहा है जो कि यहाँ पे तो लेटरल सरफेस एरिया की बात किया गया है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात किया गया है और एक 1/12 वो वेस्ट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्टील आर एक्चुअली यूज्ड इन
लिख लेते हैं, लेट एक्स यूनिट भी लिख लेते हैं, एक्स मीटर स्क्वायर स्टील इज एक्चुअली यूज्ड कितना एक्चुअली यूज्ड हो रहा है, तो वेस्ट कितना हो रहा है वेस्ट स्टील ये कितना हो रहा है स्टील 1/12 में यहाँ पे दिया हुआ है 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू एक्स 1/12 एक्स। तो अब वेस्ट स्टील कितना हो रहा है 1/12 और जो एक्चुअली यूज्ड था उसका तो 1/12 एक्स ये यूज हो रहा है, तो स्टील यूज कितना हो रहा है, स्टील यूज फॉर स्टील यहाँ पे लिख सकते हैं स्टील यूज्ड इन किसमें क्या कहते हैं आप जो क्या दिया हुआ है पेट्रोल टैंक पेट्रोल स्टोरेज इजकल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/12 एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x/12 ये हो गया, और ये इसी के बराबर है ये बराबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेट्रोल टैंक। तो ये देखिए 11x/12 इजकल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस में 2 into एरिया ऑफ बेस। तो CSA हमारा तो आप निकाले थे या वैसे ही निकाले, तो देखिए अलग से निकालते हैं तो ये CSA होता है क्या 2πRH और ये क्या होता है एरिया ऑफ बेस एरिया सर्कुलर है तो 2πR² ऊपर और नीचे दोनों होता है तो 2 और पाई कॉमन और आर कॉमन तो एच प्लस आर, तो ये हो जाएगा 11/12 एक्स। तो आप यहाँ पे निकालें 2 into 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास आर की वैल्यू दिया हुआ है 2.1 तो लिखें 2.1 और एच की वैल्यू एच आपको दिया हुआ है 4.5 तो 4.5 और प्लस में 2.1 इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा डेसिमल हटा करके नीचे रख दें तो या ये 0.3 हो जाएगा और ये 66 into 0.3 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2426 यानी 6.6 यहाँ पे 2 को 22 से किए तो यहाँ पे 44 होगा। अब इस सब को सॉल्व किए तो ये हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद आप वैसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए ये वैल्यू है, इसको डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे में रखेंगे और ये इसको हटाएं तो 10 नीचे में रखें। अब ये दिया हुआ तो x की वैल्यू निकालना है, ये आपके पास 11x/12 की वैल्यू आया तो x की वैल्यू क्या आएगा 44 into 3 into 66 upon में ये 10 और ये 10 और ये 12 ऊपर में चला जाएगा और 11 नीचे में आ जाएगा, 12 ऊपर में और 11 नीचे में, तो ये 6 जा हो गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई करें और
इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9504 और अपॉन में 100 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 9504 और मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअल यूज था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लिखे हैंस एक्चुअल यूज स्केल इज इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, हाइट दिया हुआ है तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टू, यहाँ पे एच दिया हुआ है, सबसे पहले एच आपको दिया हुआ है, एच बराबर में 5 और लेटरल सरफेस आपको आर निकालना है, और कह रहा है जो कि लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है यानी LSA दिया हुआ है, LSA दिया हुआ है 94.2। तो LSA होता क्या है सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRH इक्वल टू 94.2। तो आप देखें तो R निकालना है, यहाँ पे R निकालना है, तो ये हो जाएगा 94.2 इंटू यहाँ पे इससे डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई नहीं, इससे डिवाइड हो जाएगा 2πH से 2 इंटू पाई इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 94.2 है और 2 और पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा और एच की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो और यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखने के लिए, तो यहाँ पे हम 3.14 ही रखेंगे, 22.7 नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिखें यहाँ पे लिखें 3.14 और इनटू आपको दिया हुआ है 5, तो इससे ये डेसिमल एक डिजिट बाद है, यहाँ पे एक डिजिट बाद है तो यहाँ पे 10 लगाएं और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 ऊपर में ले जाएं, डेसिमल से डेसिमल हट गया। अब इसको ये करेंगे तो 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10 ये भी कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा, ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो R इक्वल टू आपका हो गया 3 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल गया। अब आपको कह रहा है वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर और एच, तो यहाँ पे लगाएं 3.14 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू 3 और एच की वैल्यू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है द कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर से पेंट किया जा रहा है जिसकी डेप्थ दिया हुआ है, तो ये डेप्थ के लिए यहाँ पे एच के रूप में ही समझे, ये 10 दिया हुआ है मीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट दिया हुआ है आपको एट रेट 20 पर मीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल रेडियस ऑफ बेस निकाला, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है जो कि इनर ये दिया हुआ है, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH। ठीक है, और इसको कह रहा है 20 रुपये एच के बदले दिया हुआ है आपको, एच के बदले दिया हुआ 10 मीटर, तो यहाँ पे लिखे 2πR और वैसे इसी से निकल जाएगा, आप
दिया हुआ है, देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया जो होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया सी एस ए जो होगा, ये होगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट पेंटिंग एंड रेट ऑफ पेंट, रेट ऑफ पेंटिंग। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेट क्या दिया हुआ है, टोटल कितना है कॉस्ट, ये है इतना, और रेट कह रहा है 20 रुपये। तो इसको यदि हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 110, ये हो गया 110 मीटर स्क्वायर, ये इसका इनर सी एस ए हो गया। अब कह रहा है रेडियस निकालने के लिए, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका निकल गया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh इजकल टू दिया हुआ 110, और h की वैल्यू आपको दिया हुआ है, h की वैल्यू दिया हुआ 10, तो ये लिखे 2 × 22/7 और इंटू h के लिए यहाँ पे आपको r के लिए r ही रहने दें और h के लिए दिया हुआ 10, तो बराबर में 110। अब देखिए यहाँ से r रहने दीजिए, ये हो जाएगा 110, ये 7 चला जाएगा ऊपर और 2 × 22 × 10 यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 को 5 से करते हैं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 2 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7/4 मीटर स्क्वायर, ये इसका रेडियस हो गया। अब कह रहा है जो कि आपको कैपेसिटी ऑफ वेसल्स यानी वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स निकालना है, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये होगा वॉल्यूम यानी πr² h। तो पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 22/7 और आर की वैल्यू आपने निकाला है 7/4, तो ये लिखे 7/4 यहाँ पे हो जाएगा 7/4 और इंटू 7/4 और एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखें 10। अब ये 7 से 7 चला गया, इससे एक 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11/2 और 2 से यदि काटना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/55 यानी सबको सॉल्व करने के बाद आएगा 96.25 और मीटर स्क्वायर, ये इसका कैपेसिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है द पिलर ऑफ टेम्पल सिलिंड्रिकली शेप्ड इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे और हाइट दिया हुआ इतना, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो यहाँ पे देखिए आर ये मीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में, तो पहले एक में चेंज करें, इसको भी मीटर में लिख लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा आर बराबर में 20 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में चेंज कर को मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, और यहाँ पे एच दिया हुआ आपको 10 मीटर। अब देखिए हाउ मच मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड, तो ये जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर के लिए हो जाएगा πr² और h होता है, तो यहाँ पे 22/7 और r की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2,
तो यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2 और एच की वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि कुछ कट भी सकता है। तो ये तो वॉल्यूम हो गया, लास्ट में हम एक ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कह रहा है जो कि 14 सच पिलर्स, तो टोटल मिक्सचर रिक्वायर्ड इजकल टू हो जाएगा 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ पीलर। तो यहाँ पे लिखे 14 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ अ पीलर क्या था, ये था 22/7 इंटू 0, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 2 2 4। ये देखिए इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक 10 से एक 10 कट गया तो ये हो जाएगा 0.4। अब देखिए इस 7 2 ये हो जाएगा, तो इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आंसर, आएगा 17.6 मीटर क्यूब इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है एट अ रमजान मेला और स्टॉल कीपर इज वन ऑफ फूड स्टॉल हैज अ लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप हाइट 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस, यानी इसमें इसने ऑरेंज जूस भरा हुआ है जिसकी हाइट दिया हुआ है, इसकी ये बड़ा आर मान लेते हैं, बड़ा आर बराबर में दिया हुआ है 15 और एच दिया हुआ है, इसका एच दिया हुआ है, इसके लिए बड़ा एच मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 32। अब कह रहा है इसमें भर के लाया था, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेज, और उसको उसने छोटे छोटे ग्लास में इस ग्लासों में भरना शुरू किया जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 और हाइट दिया हुआ है 8। तो और इसके लिए एच इजकल टू हो जाएगा 8। तो अब पहले कितना, इससे कितना ग्लास ये बन सकता है ये निकाले, और एक ग्लास को 15 रुपये में बेच रहा है तो वो कितने रुपये कमा मतलब बेचेगा उसको यदि सारा बिक जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ग्लास, नंबर ऑफ स्मॉल फील्ड ग्लास कितने इससे भरे जाएंगे, तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ग्लास। तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर और एच, यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर और एच, हमने छोटा और बड़ा आर माना तो पाई से पाई कट गया, आर के लिए हम यहाँ पे दिया हुआ है 15। तो 15 × 15 और ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 × 8। अब इसको हम यदि काटते हैं तो देखिए ये 5 और ये 5 और ये 8 4 तो ये कितने हो गए, 100 हो गए, 5 5 25, ये 100 हो गए, 100 ग्लास बनेगा। तो एक ग्लास की कीमत कितनी थी, प्राइस कितना था 15। तो लिखेंगे हाउ मच मनी मनी रिसीव्ड बाय स्टॉल की, टोटल मनी रिसीव्ड बाय शॉपकीपर व्हेन कंप्लीट जूस बाय सेलिंग जूस कंप्लीटली। कितना हो जाएगा ये, एक का 15 रुपये था, 15 × यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यानी 1500 रुपये हो जाएगा, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।